Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of periodic assessment test of month September 2021, standard 8th mathematics. So let's begin with the solution. So question number 1 is fill in the blanks given below. I have attached all the answers on the next page. So let's see answers. Here we have the answers. Fill in the blanks given below. Number 1, 0.9 multiplied by 0 is equals to dash. So any number multiplied by 0 will be 0. Next, number 2, 5 by 8 multiplied by dash is equals to 1. So answer is 8 by 5. Number 3, 2 plus dash is equals to 0. So answer is minus 2. Number 4, reciprocal of reciprocal 3 is dash. सो यहाँ पे हमें दो रेसिप्रोकल करने के लिए बोला है. रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल 3, यानी कि 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3 और उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3. सो आंसर विल बी 3. नंबर 5, द नंबर हुज रेसिप्रोकल इज सेम एज द नंबर इज, सो आंसर इज 1. ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें नंबर 1 है 2x-3 इज इक्वल्स टू 5. सो 2x इज इक्वल्स टू, माइनस 3 को हम इक्वल्स टू के उस साइड ले लेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 5+3. नाउ 2x इज इक्वल्स टू 8, 5+3 इज 8. नाउ 2 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4. 8/2 इज 4. सो वैल्यू ऑफ x इज 4. नाउ नंबर 2, 1/2-8x इज इक्वल्स टू -15/2. अब हम वन बाई टू को इक्वल्स टू के इस साइड ले लेंगे तो आएगा हमारे पास -8x विच इज इक्वल्स टू -15/2 -1/2. +1/2 था उसको हमने इक्वल्स टू क्यू साइड लिया तो वो माइनस में चला गया. सो -1/2. अब डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे दिया है -15-1. सो माइनस माइनस प्लस, 15+1 16. सो -16/2. सो -8 इज इक्वल्स टू -16/2. कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा -8. सो x इज इक्वल्स टू -8/-8. सो वो कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1. सो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डू एज डायरेक्टेड. इन टू दैट नंबर 1, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 degree. पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल हमें दिया हुआ है 70 degree. वॉट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड. अब एडजेसेंट साइड हमको फाइंड आउट करनी है कि उसका मेजर क्या है. तो पैरेललोग्राम का पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 degree. ठीक है, कोई भी दो एंगल का एडिशन करते हैं तो वी विल गेट 180 degree, जिसमें से हमें एक एंगल दिया हुआ है एंगल ए. एंगल ए की जगह हम डाल देंगे उसका मेजर जो हमें दिया हुआ है. सो 70 degree प्लस एंगल बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 degree. अब 70 degree प्लस में है, इक्वल्स टू के उस साइड ले लेंगे तो माइनस में चला जाएगा. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 degree -70 degree. नाउ हमको माइनस करना है 180 -70. सो 180 -70 इज 110 degree. सो एंगल बी इज 110 degree उसका मेजर है. ओके, सो एडजेसेंट एंगल का मेजर है 110 degree. नेक्स्ट है नंबर 2, वॉट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल के हर एक एंगल का मेजर क्या होता है. सो द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 degree. में रेक्टेंगल के हर एक एंगल का मेजर होता है 90 degree. नेक्स्ट नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 20 degree. अब हमें पूछा है कि रेगुलर पॉलीगॉन के साइड का मतलब कितनी साइड्स होंगी अगर उसके एक्सटीरियर एंगल्स 20 degree मेजर के हैं. सो वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स. सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय ईच एंगल इन द एक्सटीरियर. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360
by each angle in the exterior measure of exterior angle is 20 degree. So 360 by 20, which is equals to 18 sides. So how many sides does a regular polygon have if each of its exterior angle is 20 degree? Answer is 18 sides. Next question number 4. Solve the following equations. इसमें भी हमें equation solve करनी है. So the first equation is 2x minus 5 is equals to 5 minus 3x. अब हम x x एक side ले लेंगे और जो हमको numbers दिए हैं वो हम एक side ले लेंगे. तो हम ले लेते हैं minus 3 को हम equals to के left hand side ले लेंगे. तो 2x plus 3x हो जाएगा. minus 3x है तो वो plus 3x हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस फाइव है उसको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे तो वो प्लस फाइव हो जाएगा. सो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5. नाउ 2x प्लस 3x इज 5x विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10. नाउ 5 मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा. x इज इक्वल्स टू 10 बाई 5. नाउ कैंसिल 10 विथ 5 यू विल गेट 2. 5 टू ज़ा 10. सो वैल्यू ऑफ x इज 2. नेक्स्ट नंबर 2. 8x plus 4 which is equals to 3 into bracket 2x minus 5 plus 7. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को एक्सपांड कर लेंगे. सो 8x plus 4 is equals to 3 multiply by 2x is 6x minus 3 multiply by 5 is 15 plus 7. Now 8x plus 4 is equals to 6x minus 15 plus 7 minus plus minus. So 15 minus 7 is 8. Now 15 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो इट विल बी माइनस 8. सो 8x. अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड ले लेंगे. सो 8x माइनस 6x, 6x प्लस में था इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इट विल बिकम माइनस. और प्लस 4 है उसको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे तो इट विल बिकम माइनस 4. सो 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 4. नाउ 8x माइनस 6x इज 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस. सो 8 प्लस 4 इज 12, साइन विल बी माइनस. सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12. अब 2 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, उसको हम इक्वल्स टू के साइड डिवीजन में ले लेंगे. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 2. नाउ x इज इक्वल्स टू कैंसिल हम कर लेंगे 12 को 2 के साथ, तो यू विल गेट 6, 6 टू द 12. ओके, साइन रहेगा माइनस का. सो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 6. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डू एज डायरेक्टेड. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS where PQ is equals to 4.5 centimeter, QR is equals to 5.5 centimeter, RS is equals to 4 centimeter, XQ is equals to 6 centimeter and PR is equals to 7 centimeter. ठीक है, हमें एक quadrilateral construct करना है. ये chapter number 4 से लिया गया question है. ये जो question है वो आपके textual exercise का ही है. सो आंसर मैंने यहाँ अटैच किया है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का ही है. डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि टेक्स्ट बुक में आपको ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया है, यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल दिया है. तो आपको सिर्फ जो पी क्यू आर एस है वो नाम डाल देना है. तो यह वी हैव द आंसर. तो आपको ए बी सी डी की जगह सिर्फ पी क्यू आर एस डाल देना है, रेस्ट ऑफ द आंसर इज सेम. ओके, सो आंसर वी हैव हियर. सो ये फाइनल कंस्ट्रक्शन है. ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. यू हैव टू जस्ट नेम इट एज पी क्यू आर एस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सिर्फ आपको इतने चेंजेस करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल के आई टी ई वेयर के आई इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, आई टी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल के इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, आई इज इक्वल्स टू एंगल आई इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल्स टू 105 डिग्री. ये क्वेश्चन भी आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज का है. आई थिंक आई गेस इट इज़ टेकन फ्रॉम 4.3 एक्सरसाइज. सो मैंने आंसर वही अटैच किया हुआ है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का. आपको क्या करना है, सिर्फ नेम चेंज कर देना है. यू हैव टू रीनेम इट एज के आई टी ई. सो आंसर वी हैव हियर. Here we have the answer. आपको M O R E की जगह सिर्फ K I T E रीनेम कर देना है. ये रफ फिगर है एंड देन आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन चालू करना है स्टेप वन से. दिस इज स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री. ओके, सो M O R इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. आपको इसकी जगह रीनेम कर देना है, K I T E इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन होता है खत्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.